एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल योजन एडू केयर एंड आई एम योर ट्यूटर सुषमा त्रिपाठी। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। और उसमें हम क्या करेंगे, पर्टिकुलरली नंबर सिस्टम, क्या नंबर सिस्टम से जो क्वेश्चन आए थे 2016 के पेपर में उसको लेंगे हम। और ये जो आपका सेशन है ये 4 to 5 पार्ट्स में डिवाइड होगा, क्योंकि जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं वो हम सभी पेपर से लेने वाले हैं, तो एक वीडियो में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल दिस क्वेश्चंस, तो इसीलिए इसको पार्ट पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, तो आप सारे चेकआउट कर सकते हैं जाके। नाउ सी योर फर्स्ट क्वेश्चन है, ये 2006 का है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है पार्ट वन 2016 का। यहाँ देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, यस, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, यस, वो नंबर होते हैं जो खुद से, ठीक है, एक और खुद से ही विभाजित होते हैं, है ना। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर हमारी हो जाती है, यस, 2। तो हमारा राइट आंसर है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योग, ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट फोर प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य संख्या आपको पता है वह संख्या जो खुद से ही जो है एक से और खुद से ही विभाजित होती है, जो सिर्फ एक और खुद के टेबल में ही आती है ना, तो वो होती है प्राइम नंबर्स। तो अभी हमें क्या करना है, प्रथम चार अभाज्य संख्याओं का योग, जो सबसे पहले चार अभाज्य संख्याएं आती हैं उनका हमें योग करना है। तो हमें पहले वह संख्याएं पता होनी चाहिए। सबसे पहली संख्या जैसा कि हमने देखा कितनी है, 2 है। उसके बाद क्या आती है, 3 आती है ना। 3 भी 1 खुद के टेबल में आएगी और 1 के, इसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और 3। देखिए इसके केवल दो ही फैक्टर होंगे, 1 और 2। तो ये होती है अभाज्य संख्याएं। इसके बाद में क्या होगा, 5, देख लीजिए आप यहाँ पे 1 और 5, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट नंबर है 7। ये सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं, उनका केवल दो ही फैक्टर होता है, ठीक है, दो ही संख्याओं से वो विभाजित भी हो सकती है। तो ये हमारे पास प्रथम चार अभाज्य संख्याएं आ गई, वो कौन कौन सी है, 2, 3, 5 और 7। आपको क्या करना है, उनका योग करना है, मतलब उनको जोड़ लेना है। तो 2 + 3 = 5, 5 + 5 = 10 और 10 + 7 = 17 मिल जाएगा। जोड़ के देख लीजिए, 2 + 3, ठीक है, 3 + 5 + 7, ये आपको टोटल मिलेगा 17। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 17। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम नंबर सिस्टम का। और अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अभी नंबर्स के बारे में प्रॉपरली जानना है, नंबर सिस्टम में पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, व्हाट इज को प्राइम नंबर, सारा कुछ आपको अगर जानना है तो उस पर भी वीडियो बना रखा है नंबर सिस्टम का, आप चेकआउट कर सकते हो। और नेक्स्ट देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, थर्ड वन, 1 से 100 तक की गिनती में 5 अंक कितनी बार आता है, ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स डज नंबर 5 कम्स इन बिटवीन 1 to 100। तो इसके ऑप्शन हैं 21, 22, यस। नाउ ऑप्शन आर सी, 21, 22, 23 and 19। तो इसको हम कैसे करेंगे, 1 से 100 तक में 5 अंक कितनी बार आता है ये हमें करना है। तो आइए कर लेते हैं, इसको भी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जो है 5 आएगा, ठीक है, उसके बाद 15, फिर आप देखिए 25 में 5 आता है, फिर 35 में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, 45 में आएगा, फिर 50 में आएगा, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ठीक है, उसके बाद 60 नहीं, 65, 75, राइट, 85 और 95। अब आपको क्या करना है, इसको काउंट कर लेना है, देख लीजिए कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, दो बार है यहाँ पर, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 20, थर्ड वन। ओके, हैव यू गॉट दिस, बहुत इजी है ये, हमने यहाँ पर क्रम से लिख लिया और फिर उसको काउंट कर लिया। नेक्स्ट है, एक से है फिफ्थ क्वेश्चन, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर बताना है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होना चाहिए और सबसे बड़ी दो अंकों की, दो डिजिट भी होने चाहिए, ठीक है, एक अंकों वाली नहीं, दो अंकों की अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो दो अंकों की सबसे जो है आपकी
दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है? 10 से, तो 10 तो अभाज्य संख्या नहीं है, क्या हो जाएगा? 11, 11 अभाज्य संख्या होती है और सबसे छोटी है। अब आ जाइए सबसे बड़ी, सबसे बड़ी आप कैसे निकालेंगे? 100 जो है 3 डिजिट नंबर है, 3 अंकों की संख्या है ना ये, तो इससे पीछे आइए। 99, 99 अभाज्य है नहीं, 9 के टेबल में आती है। 98 ये भी अभाज्य नहीं है। 97 सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 2 अंकों की अभाज्य संख्या होती है, 97। तो इसको हम लिखेंगे 97 में से हम 11 को माइनस कर देंगे तो यहाँ हमें मिलेगा 86। तो हमारा करेक्ट आंसर है 86। हैव यू गॉट दिस? तो ये हमारे 5 क्वेश्चंस थे और आगे हम नेक्स्ट पार्ट में जो है और ऐसे ही करेंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे से और उतने जल्दी आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है? जितनी मेहनत करोगे उतना अच्छा फल मिलेगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और जो बेल आइकन होता है वो भी प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।